नमस्ते, वेलकम टू माई चैनल मेकअप एंड लाइफस्टाइल विद दीपिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज मैं कुछ मेकअप ब्रशेस आपको दिखाने जा रही हूँ, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें, जिन्हें मेकअप करना पसंद है या फिर जो बिगिनर है एंड मेकअप को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सिर्फ अच्छा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करना ही काफ़ी नहीं होता, अच्छे मेकअप टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है अगर आपको एक अच्छा लुक क्रिएट करना है। तो कुछ 6 ब्रशेस दिखाऊंगी जो एज अ बिगिनर आप ले सकते हैं। ट्राई करूंगी कुछ अफोर्डेबल भी आपको सजेस्ट करूं ब्रशेस। मेरे पास वैसे बहुत सारे ब्रशेस हैं तो और भी है, तो मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था कि क्या क्या ब्रशेस होते हैं, अलग अलग एरिया का अलग अलग जो प्रोडक्ट होता है उनके लिए अलग अलग ब्रशेस भी होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ एक पाउडर ब्रश ही लिया था, फिर जब मैंने कब एन ऑल सीखा तब जाके मुझे पता चला कि नहीं, आई लुक के लिए भी अलग अलग ब्रशेस होते हैं। तो आज मैं 6 ब्रशेस आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में अगर आप कुछ ये 6 ब्रश ही लेते हैं तो इनसे ही आपका हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप अपना जो कलेक्शन है या फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और भी ब्रशेस ले सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ 6 ब्रशेस ही दिखाऊंगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो दिखाना शुरू करूंगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को क्लिक करें टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट जो ब्रश है फेस का वो मैं दिखाऊंगी। तो सो फर्स्ट जो ब्रश है वो है एक पाउडर ब्रश। तो ये PAC का पाउडर ब्रश है, ये बड़े साइज का एक फ्लफी ब्रश है। छोटा भी पाउडर ब्रश अवेलेबल है मार्केट में, तो मैंने ये बड़ा पाउडर ब्रश लिया है। सारे जो पाउडर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ट्रांसलूसेंट पाउडर, हाइलाइटर पाउडर या फिर ब्लश, जो जो पाउडर फॉर्म में होता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं पाउडर ब्रश की हेल्प से। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली भी मेकअप करते हो तो ट्रांसलूसेंट पाउडर आपको अप्लाई करना पड़ता है, एंड पाउडर से ही आप जो एक्सेस होता है पाउडर वो रिमूव कर सकते हो। तो ये जो पाउडर ब्रश है जो मैं यूज़ करती हूँ ये है 211। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है, तो आप ले सकते हैं स्विस ब्यूटी का पाउडर ब्रश, वो आपको 349 में मिल जाएगा। मैंने भी यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का पाउडर ब्रश, वो भी बहुत अच्छा है। मैंने अभी उसे मेरी मम्मी को दे दिया बिकॉज मेरे पास दो पाउडर ब्रश है। इस ब्यूटी का आप ले सकते हैं, वो एक अफोर्डेबल में भी आ जाएगा। तो फर्स्ट है पाउडर ब्रश, नेक्स्ट इज अ कॉन्टोर ब्रश। तो इसे कॉन्टोर ब्रश कहते हैं एंड ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रश है। हर किसी का फेस तो अभी चिजल्ड एकदम शेप में नहीं होता, तो थोड़ी बहुत कॉन्टोरिंग हर एक फेस पे ही होता है। एंड फेस अगर हैवी या फिर राउंड फेस हो तब तो आपको बहुत ज़्यादा कंटूरिंग करना पड़ता है, बहुत काम रहता है। एंड इस ऐसे ब्रश की हेल्प से आप कंटूरिंग कर सकते हैं जो पाउडर कंटूरिंग होता है वो। सो राउंड फेस या फिर हैवी फेस हो तो क्रीम कंटूरिंग भी करते हैं, लेकिन क्रीम कंटूरिंग आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कर सकते हैं। एंड अगर आप बिगिनर हो तो क्रीम कंटूरिंग थोड़ा अवॉइड कीजिए, धीरे धीरे सीखिए, लेकिन हाँ आप स्टार्टिंग में पाउडर कंटूरिंग ही करें क्योंकि ये थोड़ा इजी रहता है, पाउडर प्रोडक्ट्स को इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। कंटूरिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन हाँ पाउडर कंटूरिंग इजी होता है, तो आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं इस तरह के कंटूरिंग ब्रश के हेल्प से। तो ये मेरा जो है कलर पॉप ब्रांड से है, ये मैंने दो ढाई साल पहले लिया था ये ब्रश, एंड अभी भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास PAC का भी कंटूरिंग ब्रश है, आप PAC का ये कंटूरिंग ब्रश भी ले सकते हैं 247, या फिर आप फॉरएवर 52 का एंगल कंटूर ब्रश भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। कलर पॉप का जो मैं यूज़ करती हूँ ये मैं इसका लिंक मैं नहीं दे सकती क्योंकि ये मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से लिया था। तो फेस के लिए आप ये दो ब्रशेस ले सकते हैं, फर्स्ट पाउडर ब्रश एंड देन सेकेंड इज कंटूर ब्रश। आपको और कोई फाउंडेशन ब्रश या फिर ब्लश के लिए एक्स्ट्रा कोई ब्रश स्टार्टिंग में ना ले तो भी चल जाएगा, इन दो ब्रशेस से ही आप अपना फेस का जो मेकअप है वो कर सकते हैं। क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर तो आप
के पास होगा ही, तो ब्यूटी ब्लेंडर से आप अपना फाउंडेशन जो है बेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी आते हैं आई ब्रशेस पे, तो मैं 4 ऐसे ब्रशेस सजेस्ट करूंगी, उनमें से आप 3 ब्रशेस जो स्टार्टिंग में मैं 3 ब्रशेस दिखाऊंगी वो 3 ब्रशेस भी आप ले तो चल जाएगा, क्योंकि 4th जो ब्रश है वो आप स्किप भी कर सकते हैं लेना। लेकिन आज मैं वो 4 ब्रशेस दिखाऊंगी, और मैं जब मैं दिखाऊंगी तभी आपको वो क्लियर होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप स्किप कर सकते हैं वो ब्रश। फर्स्ट जो ब्रश है आई ब्रश, वो है एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश। तो ये एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है। तो ट्रांजिशन शेड जो हम क्रीज के ऊपर अप्लाई करते हैं वो इसी ब्रश से होता है। एंड आई शेडो इवनली हम अप्लाई कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं इसी ब्रश के हेल्प से। तो ये सिग्मा का ब्लेंडिंग ब्रश है E40, पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव है ब्लेंडिंग ब्रश। सो मैं सजेस्ट करूँगी आप ले सकते हैं कफ्स एंड लैशेस का ये ब्रश। तो ये भी बहुत ही अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश है, मैंने मेरा जो लास्ट वीडियो है उसमें भी यूज़ करके दिखाया था। या फिर आप PAC का ये ब्लेंडिंग ब्रश भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट जो आपको आई ब्रश लेना है वो है एक पेंसिल ब्रश। तो इसे टेपर्ड ब्रश भी कहते हैं, एंड इसका शेप देखिए ये पेंसिल की तरह है। सो आई सॉकेट का जो एरिया है वहाँ पे हम आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं इसी ब्रश के हेल्प से, एंड देन स्मज भी हम करते हैं इसी ब्रश से। तो ये सिग्मा का पेंसिल ब्रश है E30, जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आप ले सकते हैं इसका अल्टरनेट, ये प्रोश का ब्रश। प्राइस भी मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। PAC के ब्रशेस मैं जितने सजेस्ट कर रही हूँ वो आप ज़रूर लें। PAC के ब्रशेस भी थोड़े एक्सपेंसिव साइड में ही है, लेकिन कई सालों तक इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। मेरे जितने भी ब्रशेस मैंने PAC के लिए वो अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी 3 साल हो चुके हैं, मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ उन्हें। मैं कुछ भी आपको गलत सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी बहुत खर्चा किया है ब्रशेस पे, एंड कुछ ऐसे ब्रशेस भी हैं जो मैंने लिए हैं कम प्राइस वाले, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। सो मैं जो आपको दिखा रही हूँ ब्रशेस, ये आप ले सकते हैं। थर्ड जो ब्रश है वो है एक फ्लैट शेडर ब्रश। इससे हम कट क्रीज बना सकते हैं, छोटे छोटे जो एरियाज है वहाँ पे हम प्रिसाइसली प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इनर कॉर्नर का जो एरिया होता है वहाँ पे आई शेडो अप्लाई करते हैं इसी ब्रश के हेल्प से। एंड ये राउंडेड है, देखिए ये जो एरिया है ये राउंडेड है। इस पे एक फ्लैट भी आता है, ऊपर का जो पार्ट होता है ये पूरा ऐसे फ्लैट होता है, ये राउंडेड है शेप। राउंडेड वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मैं कट क्रीज बना सकती हूँ। एंड जो शिमर के शेड होते हैं वो भी अच्छे से हम अप्लाई कर सकते हैं इसी ब्रश के हेल्प से। सो ये कफ्स एंड लैशेस का E003 फ्लैट शेडर ब्रश है। आप फॉरएवर 52 का भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा है एंड ऑफर में आपको मिल जाएगा अभी। ये कफ्स एंड लैशेस का तो बहुत ही रीजनेबल है, 199 आई गेस इसका प्राइस है। सो तीसरा ब्रश, तो ये 3 ब्रशेस आपको लेना ही है अगर आप एक अच्छा आई मेकअप करना चाहते हैं। और लास्ट जो ब्रश, और मैंने जो कहा है ऑप्शनल मैंने कहा है आप ले सकते हैं, वो है एक एंगुलर ब्रश। सो ये है लास्ट ब्रश, तो ये स्मॉल एंगल ब्रश है एंड सिग्मा का ही है ये E65। तो इस ब्रश की हेल्प से हम आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं, जो लिक्विड आईलाइनर होता है वो, देन जेल आईलाइनर्स जो आते हैं, या फिर कलर्ड आईलाइनर बहुत सारे पॉट में भी आते हैं, तो उन्हें आप इस तरह के एंगल लाइनर ब्रश के हेल्प से अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने ऑप्शनल इसलिए कहा क्योंकि लिक्विड आईलाइनर्स जो होते हैं उनके साथ तो आपको वांड मिल ही जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा ये ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अलग अलग कलर्स, या फिर आई शेडो को ही आप अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, या थोड़ा सा आप अगर लिक्विडी करके आप लाइन बनाना चाहते हो, तो इस टाइप का एंगल ब्रश आपको चाहिए। ये इसलिए मैंने कहा था आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ पहले जो 3 ब्रशेस है ब्लेंडिंग ब्रश, देन पेंसिल एंड शेडर ब्रश, वो 3 आपको
लेना है। तो ये सिग्मा का थोड़ा एक्सपेंसिव है E65 ब्रश, आप ले सकते हैं वेट एंड वाइल्ड का ये एंगल ब्रश, ये भी अच्छा है, या फिर आप PAC का ले सकते हैं ये एंगल ब्रश। एंड ये सब आपको ऑफर में भी मिल जाएगा, अभी अगर आप चेक करें तो आप ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, एंड थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इस चैनल पे मेकअप ट्यूटोरियल्स, रिव्यूज, ट्रैवल वीडियोज और भी बहुत कुछ शेयर करती हूँ। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय फ्रेंड्स।